सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, मुक्ति वरासत में नहीं मिलती है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और अगर उसने कहीं कोई गुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अंबेडकर नगर को 1231 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही आरोप लगाया कि सपा जाति के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है और सत्ता हासिल करने के लिए षड्यंत्र रच रही है। सपा सरकार के दौर में माफिया और अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता था। जहाँ जितना बड़ा गुंडा होता था उसे उतना बड़ा पद दिया जाता था। आगे सीएम योगी ने कहा कि सत्ता विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं, और क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं। यह धरती ऋषि मुनियों की धरती है, अयोध्या प्रांत की धरती है, महात्मा श्रवण की मातृ और पितृ भक्ति की धरती है। अनेक सिद्धों संतों ऋषियों ने अपनी पवित्र साधना से इस धरती को पवित्र किया, तो भारत माता के तमाम सपूतों ने भी भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के उपरांत भी अपना सर्वस्व बलिदान भारत के लिए किया, भारत की माटी के लिए किया। यह कर्म साधना की धरती है, श्रम साधना की धरती है, और इसीलिए तो यहाँ का अन्नदाता किसान भी अपनी मेहनत से देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों का अंबेडकर नगर वासियों को बधाई देते हुए अपनी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहनों और भाइयों, ये विकास की परियोजनाएं आज जो आपको प्राप्त हो रहे हैं इतनी आसानी के साथ, आज जो सुरक्षा का वातावरण है, आज जो विकास गांव गांव तक पहुंचने के साथ जुड़ रहा है, क्या ये 2017 के पहले भी संभव था क्या? बहनों और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश आप सबसे किसी से भी अछूता नहीं है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर था, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी, या अंबेडकर नगर में भी चलती थी। याद करिए, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष, टाडा जनपद के ही निवासी, हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अंबेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था। तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था माफिया के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की सरकार की अराजकता के खिलाफ। कौन ऐसा जिला था, चाहे वह अंबेडकर नगर जिला रहा हो, अयोध्या रहा हो, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई ना कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी, उनको इससे कोई मतलब नहीं था, उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया,
जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई, अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं कि राह जलती हुई बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था और किस प्रकार के वक्तव्य आते थे उस समय के मंत्रियों के, किस प्रकार के बेश्रमीपूर्ण वक्तव्य देते थे समाजवादी पार्टी के नेता। बहनों और भाइयों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक बेटी तो सबकी बेटी होती है, उस बेटी का सम्मान और उसकी रक्षा पूरे समाज का दायित्व बनता है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी इसका महत्व कहां समझ पाएगी। यहां तो गुंडों की भरपूर फौज खड़ी थी, उनको लेकर के लोग चलते थे, उनको अपना सागिर्द मानते थे, जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था, और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से बोलते थे कि देखे ये गुंडा हमारा इस जिले को संभालेगा। उनको नहीं पता था कि जनता गड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे, आज 17 के बाद उल्टा हो गया है, अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी वरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपोती मानते थे वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।